हेलो एवरीवन वेलकम टू अर यूट्यूब चैनल दिस इज विकास कुमार ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीवर्स एजुकेशन तो फ्रेंड्स ये है पार्ट टू ऑफ टॉप 50 एमसीक्यू ऑन मेज क्रॉप इससे पहले इसका पहला पार्ट हो चुका है जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है रिमेनिंग जो ट्वेंटी फाइव हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है आई आई एम आर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च इज लोकेटेड एट ऑप्शन आर हैदराबाद लुधियाना पुणे एंड इंदौर इस क्वेश्चन का आंसर आप प्रोवाइड कर देना हमारे कमेंट सेक्शन में सो लेट्स बिगन फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज फर्स्ट इन एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ मेज क्रॉप यह बताने आपको छब्बीस सौ क्वेश्चन है ये ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन पहले पार्ट में हमने डिस्कस कर लिए हैं तो ऑप्शन दे रहे हैं चाइना यूएसए फ्रांस एंड इंडिया द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यूएसए सो यूएसए इज अ कंट्री विच इज फर्स्ट इन एरिया एंड प्रोडक्शन इन मेज क्रॉप सत्ताइस क्वेश्चन है वट इज द आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन ऑफ मेज क्रॉप सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन कर रहे हैं अगर हम मेज uh, क्रॉप में तो इस कंडीशन में आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखी जाती है तो ये बताना है ऑप्शन दे रखे हैं 100, 200, 400 चार 1000. एंड थाउजेंड राइट आंसर है ऑप्शन बी 200. हंड्रेड सो द आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड सीट प्रोडक्शन ऑफ मेज क्रॉप इज टू मीटर एंड फोर मीटर डिस्टेंस इज कैप्ट फॉर इन केस ऑफ फाउंडेशन प्रोडक्शन ऑफ मेज क्रॉप अट्ठाईसो क्वेश्चन है ए आई सी आर पी ऑन मेज क्रॉप वॉज स्टार्टेड इन विच answer हेयर द राइट आंसर इज में ए आई सी आर पी स्टार्ट हुआ था मेज क्रॉप में और 1961 में पहली हाइब्रिड की वैरायटी डेवलप कर रखी थी इंडिया ने और दूसरे क्रॉप के बारे में बात करें तो वीट और barley के केस में स्टार्ट हुआ था राइस के केस में 1965 एंड 1970 इन केस ऑफ सुगर केन यह है ए आई सी आर पी के एयरस हैं डिफरेंट क्रॉप्स के लिए फ्रेंड्स एक चीज मैं बताना चाहूंगा इससे पहले हमने दो वीडियो बना रखे हैं राइस पर और वीट पर ये तीसरी वीडियो है मेज क्रॉप पर अब मैं आपका ओपिनियन चाहता हूँ कि अगली वीडियो कौन सी क्रॉप में बनानी चाहिए हमें जो टॉप फिफ्टी क्वेश्चन की हमारी ये सीरीज चल रही है इसमें अगली क्रॉप कौन सी होनी चाहिए ये आप पर डिपेंड करता है जो मेजोरिटी ऑफ व्यूअर्स का कहना होगा कि कौन सी क्रॉप में बनाना है उसी क्रॉप पर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करेंगे उनतीसवा क्वेश्चन है गंगा टू एंड हाई स्टार्च आर द वैरायटी ऑफ किस टाइप की वैरायटी है ये सिंगल क्रॉस हाइब्रिड डबल क्रॉस हाइब्रिड टॉप क्रॉस हाइब्रिड एंड कंपोजिट वैरायटी राइट आंसर इज ऑप्शन सी टॉप क्रॉस हाइब्रिड तो क्वेश्चन यहां पर क्या आता है कि टॉप क्रॉस हाइब्रिड ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है टॉप क्रॉस इज प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग ए सिंगल क्रॉस ए क्रॉस बी विद एन ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी एंड सच क्रॉसेज इज कॉमनली यूज फॉर टेस्टिंग द जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ इनब्रेड्स और इससे जो डेवलप कर रखी थी वैरायटी एक है गंगा टू एंड हाई स्टार्च तो ये दोनों आपको याद रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ के लिए सुटेबल टेम्परेचर होता है थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड इन केस ऑफ मेज क्रॉप और जर्मिनेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है 21 डिग्री सेंटीग्रेड तो दोनों चीज आपको याद रखनी है जर्मिनेशन के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फॉर ग्रोथ इट इज 32 डिग्री सेंटीग्रेड इकतीसवां क्वेश्चन है द पर्सन हु होली डिपेंडेंट ऑन मेज लीड टू अ डिजीज कॉल्ड डैश ड्यू टू लो कंटेंट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दैट इज नियासिन एंड टिप्टोफेट इन मेज तो बताने है आपको कौन सी डिजीज हो जाती है राइट आंसर इज पेलाग्रा सो पेलाग्रा इज अ डिजीज विच इज कॉस्ट ड्यू टू द लो कंटेंट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इन मेज क्रॉप अगर कोई पर्सन है वो टोटली totally मेज पर डिपेंडेंट है उसको ही कंज्यूम कर रहा है तो उसको पेलाग्रा डिजीज होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अफ्रीकन टॉल वैरायटी इज अ डैश वैरायटी ऑफ मेज किस टाइप की वैरायटी है ये क्यूपीएम है हाई ऑयल मेज वैरायटी है अर्ली मैचोरिंग वैरायटी है या फॉर्डर पर्पज मेज है राइट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर्डर पर्पज मेज सो अफ्रीकन टॉल इज ए फॉर्डर वरायटी ऑफ मेज क्रॉप अगला क्वेश्चन है डिम्बा इज ए केमिकल प्रेजेंट इन मेज स्टेम एट एन अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ये देखिए ये एक कंपाउंड पाया जाता है किसमें मेज के स्टेम में तो ये कंपाउंड अर्ली स्टेजेस में एक इंसेक्ट के अगेंस्ट काम करता है एंटीबायोसिस इफेक्ट शो करता है ये तो बताना है कि कौन से इंसेक्ट के अगेंस्ट ये काम करता है ऑप्शन दे रखें स्टेम बोर आर्मी वॉम हैलीकॉरपा आर्मी जेरा एंड नन राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्टेम बोरर सो डिम्बो इज ए केमिकल प्रेजेंट इन मेज स्टेम एंड इट प्रोटेक्ट द क्रॉप ग्रोथ फ्रॉम द स्टेम बोरर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यूपीएम हाउ मच परसेंटेज ऑफ लाइसिन क्यूपीएम दैट इज क्वालिटी प्रोटीन मेज देखिए जनरली जो मेज होता है मेज का ग्रेन डिफिशियंट होता है लाइसिन कंटेंट में बट इन केस ऑफ क्यूपीएम दैट इज क्वालिटी प्रोटीन मेज इसके केस में लाइसिन का परसेंटेज होता है फोर परसेंट दो चीजें आपको यहां पर याद रखने की जरूरत है देखिए फोर परसेंट यह होता है क्यूपीएम के केस में लाइसिन का कंटेंट और अगर हम जनरल देखें ऑयल कंटेंट वो भी क्या होता है फोर परसेंट तो दोनों चीजें आपको यहां से याद होना चाहिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन सीएमएस लाइन साइटोप्लाज्मिक मेल स्टोराइल लाइन फॉर मेज क्रॉप इज ऑप्शन आर वाइल्ड अबाउटिव टिफ ट्वेंटी थ्री टिफ्टॉन एंड ऑप्शन डी टी टैक्स राइट आंसर इज ऑप्शन डी टैक्स सो द दीमियस लाइन फॉर द मेज क्रॉप इज टी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द क्रिटिकल स्टेज फॉर मॉइस्चर इन मेज क्रॉप मेज के केस में जो इरीगेशन की सबसे क्रिटिकल स्टेज है वो क्या है ऑप्शन आर जर्मिनेशन निहाई स्टेज टेस्लिंग टू सिल्किंग एंड एट सिल्किंग राइट आंसर इज ऑप्शन सी टेसलिंग टू सिल्किंग सो द टेसलिंग टू सिल्किंग इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर मॉइस्चर इन मेज क्रॉप अगला क्वेश्चन है वट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ आर्मी वॉम आर्मीओम का साइंटिफिक नेम बताना है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मिथिमना सेपरेटा देखो ऑप्शन ए है काइलो पार्टिलस इट इज मेज स्टम्बोर और ऑप्शन डी है एथेरिगोना सोकाटा इट इज सॉर्गम सूट फ्लाई तो दोनों अलग अलग चीजें हैं देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये किसका है मेज क्रॉप का मिथिमना सेपरेटा तो हो गया हमारा आर्मी वॉर्म और काइलो पार्टिलस इज अ मेज स्टम्बोर बट जो ऑप्शन डी है एथेरिगोना सोकाटा इट इज सॉर्गम सूट फ्लाई अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर द डबल क्रॉस हाइब्रिड गंगा वन गंगा वन जीरो वन डेक्कन एंड रंजीत वॉज रिलीज फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया तो आपको बताना है कि कौन से ईयर में ये डबल क्रॉस हाइब्रिड लॉन्च हुए थे या बोल रहे रिलीज हुए थे ऑप्शन दे रखे हैं बहुत सारे यहाँ पर इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी नाइनटीन सिक्सटी वन तो नाइनटीन सिक्सटी वन में ये जो हमारे चार वेराइटीज़ हैं गंगा वन गंगा वन जीरो वन डेकन एंड रंजीत इसको रिलीज़ किया गया था फॉर दी फर्स्ट टाइम अब देखिए मैं क्रोनोलॉजी बता देता हूँ मैं इसकी मैंने पिछले पार्ट में भी बताया था कि 1910 में सिंगल क्रॉस हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट आया उसके बाद 1920 में डबल क्रॉस हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट आया ये अब आते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में नाइनटीन में ए आई स्टार्ट हुआ था मेज क्रॉप में फिर नाइनटीन में ये चार हाइब्रिड लॉन्च हुए थे फिर 1967 में कंपोजिट वैरायटी लॉन्च हुई थी फिर 1971 में हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज रिलीज़ होने शुरू हो गए थे तो ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है अगला क्वेश्चन है बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ क्यू पी एम इज अबाउट ऑप्शन दे रखे हैं राइट आंसर इज ऑप्शन डी एटी परसेंट सो एटी परसेंट इज द बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ क्यू पी एम और जो ऑप्शन ए है फिफ्टी परसेंट इट इज फॉर नॉर्मल मेज एटी परसेंट इज फॉर क्यू पी एम एंड फिफ्टी परसेंट इज फॉर नॉर्मल मेज मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमनली यूज हर्बिसाइड इन सॉल मेज क्रॉप इज मेज की सोलो सोलो क्रॉपिंग हो रही है तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा हर्बिसाइड यूज़ किया जाता है आपको पता होना चाहिए कि अगर हम मेज क्रॉप की सोलो क्रॉपिंग कर रही है तो वहाँ हमको हर्बिसाइड दूसरा यूज करना पड़ता है और अगर उसको इंटर क्रॉपिंग में ग्रो किए रहते हैं तो वहाँ पर हर्बिसाइड अलग यूज़ किया जाता है तो अगर सोलो क्रॉपिंग करते हैं तो वहाँ हमें एट्राजीन यूज़ करते हैं एट्राजीन एज ए प्री इमरजेंस बट अगर मेज क्रॉप की इंटर क्रॉपिंग की जा रही है किसी पल्स के साथ इन दिस केस एलाक्लोर इज़ यूज तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन ए अगला क्वेश्चन है डिग्रेडेशन ऑफ एट्राजिन इन मेज प्लांट इज ड्यू टू देखो हम एट्राजिन को यूज करते हैं एज ए हर्बिसाइड इन मेज प्लांट ये क्या करता है ये मेज प्लांट को तो हार्म नहीं करेगा ये हार्म करता है वीट क्रॉप को अब बताने है कि मेज प्लांट में कौन सा मैकेनिज्म होता है कि ये हर्बिसाइड मेज प्लांट को हार्म नहीं पहुंचाता तो ऑप्शन दे रखे हैं जीएसएच एम जैम पी फोर फिफ्टी मोनोऑक्सीजन एंड जीएसटी एम जैम राइट आंसर इज ऑप्शन ए जी एस एच एनजाइम अगर ऑप्शन में होता ग्लूटाथायन तो ग्लूटाथायोन भी इसका राइट right आंसर होता है जी एस एच को ही कहा जाता है ग्लूटाथायोन सो द जी एस एच एनजाइम इज द एनजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ एट्राजीन इन मेज प्लांट अगला क्वेश्चन है अंबर इज अ वराइटी ऑफ विच टाइप ऑफ कॉर्न कौन से टाइप के कॉर्न की वराइटी है अंबर ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेंडकॉर्न कॉर्न पॉपकॉर्न एंड सॉफ्ट कॉर्न द राइट आंसर इज ऑप्शन सी पॉपकॉर्न सो दंबर इज अ वायरायटी ऑफ पॉपकॉर्न अगला क्वेश्चन है फर्स्ट क्यूपीएम वरायटी ऑफ मेज इज क्वालिटी प्रोटीन मेज इसकी वरायटी बतानी है देखो यहां जो ऑप्शन दे रखे हैं ये सारे के सारे क्वालिटी प्रोटीन मेज की वरायटी है बट इनमें से एक ऐसी वरायटी है जो सबसे पहले रिलीज करी गई थी तो यहां पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एच क्यू पी एम वन सो एच क्यू पी एम वन इज द फर्स्ट क्यू पी एम वरायटी ऑफ मेज अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस द वैरायटी ऑफ स्वीट कॉर्न इनमें से स्वीट कॉर्न की कौन सी वैरायटी है ऑप्शन दे रखे हैं प्रिया मधुरी कंचन एंड डी बोथ ए एंड बी राइट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी प्रिया एंड मधुरी आर द वैरायटी ऑफ स्वीट कॉर्न बट जो कंचन वैरायटी है इसकी क्या खासियत है इट इज़ अर्ली मैचोरिंग वेरायटी ऑफ कॉमन मेज जो हम फ्रिंटकॉर्न की बात करते हैं उसकी अर्ली मैच्योरिंग वरायटी होती है बट जो प्रिया और मधुरी है ये दोनों वेरायटी हैं स्वीट कॉर्न की अगला क्वेश्चन है जवाहर विक्रम अंबर किसान सोना विजय आर वैरायटी ऑफ विच टाइप ऑप्शन वैरायटी कंपोजिट वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी एंड नन ऑफ दी अब तो यहां पर इसका राइट आंसर है कंपोजिट वैरायटी तो ये सारी की सारी कंपोजिट वैरायटी है मेज की अगला क्वेश्चन है इंडियन साइंटिस्ट सेल्ड फूड प्राइज फॉर मेरेकल मेज कौन से साइंटिस्ट थे वो जिनको मेरेकल मेज के लिए वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिल रखा था ऑप्शन दे रखे हैं डी एफ जॉन्स डॉक्टर रतन लाल एंड डॉक्टर सुरिंदर के वसल तो राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर सुरेंदर के वसल और जो ये मेराकल मेज था ये बेसिकली था हमारा क्वालिटी प्रोटीन मेज इन्होंने एक डेवलप कर रखा था तो इनको इसलिए वर्ल्ड फूड प्राइज मिल रखा था तो आपको नाम याद रखना है डॉक्टर सुरेंदर के वसल अगला क्वेश्चन है वाइट बर्ड ऑफ मेज इज कॉस्ड ड्यू टू कौन से न्यूट्रेन की डिफिशेंसी की वजह से होता है मोलिबडेनम जिंक कॉपर एंड बोरोन राइट आंसर इज ऑप्शन बी जिंक सो द वाइट बर्ड ऑफ मेज इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ जिंक इन द मेज प्लांट अगला क्वेश्चन है अगे थी सेवेंटी सिक्स इज अ विच टाइप ऑफ वरायटी किस टाइप की वरायटी है है शॉर्ट ड्यूरेशन है अर्ली वरायटी है फॉर्डर वरायटी है या स्वीट कॉर्न की वरायटी है तो यहां पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शॉर्ट ड्यूरेशन वरायटी सो so अगे थी सेवेंटी सिक्स इज ए शॉर्ट ड्यूरेशन वरायटी ऑफ मेज क्रॉप इसका ड्यूरेशन भी दे रखा है यहाँ सेवेंटी फाइव टू एटी डेज आफ्टर सोइंग तो इतने दिनों में तैयार हो जाती है ये आगे थी सेवेंटी सिक्स वराइटी अगला क्वेश्चन है ग्लाइफोसेट प्लस ग्लूफोसाइनेट डबल स्टैक इज रेसिस्टेंट ट्रेट ऑफ विच क्रॉप कौन से क्रॉप का ये ट्रेट है कैनोला बीट सोयाबीन या मेज राइट right आंसर है मेज देखो पर्टिकुलरली मेज के, के केस में ग्लाइफोसेट और ग्लूफोसाइनेट इन दोनों के लिए रेसिस्टेंट डेवलप किया जाता है बाई हेल्प ऑफ डबल स्टेक टेक्निक तो ये मेज के, के केस में है तो मेज इसका राइट आंसर होगा लास्ट क्वेश्चन इज डाउन ई मिल्ड यू और वी कैन से क्रेजी टॉप ऑफ मेज इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म बताना है आपको हेलमेंथोस्पोरियम मेडिस पक्सिनिया सॉर्गाई पेरेनोइलोरेस्पोरा सॉर्घाई एंड मैक्रोफोमिना फेजियोलिना तो राइट आंसर है ऑप्शन सी क्लोरोस्पोरा सॉर्गाई अदर ऑप्शन को देखें तो हेलमेंथोस्पोरियम मेडिस इट इज साउदर्न कॉर्न लीव ब्लाइट साउदर्न कॉर्न लीव ब्लाइट का ये कॉजल ऑर्गेनिज्म है एंड पक्सिनिया सॉरगाई इट इज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ रस्ट ऑफ मेज एंड माइक्रोफोमिना फेजियोलिना इट इज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ चारकोल रोट ऑफ मेज तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे आज के और मेज क्रॉप के भी टॉप फिफ्टी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और आप लोग जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो कौन से क्रॉप पर बननी चाहिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलता हूँ ऑप्शन नेक्स्ट टाइम टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर